कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सब के क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और पैकिंग हो गई है, लगभग रेडी भी हो गए हैं। अब हम लोग आज जा रहे हैं वापस जोधपुर की तरफ। जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे आज रात को, कहाँ स्टे करेंगे अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बस जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं पे जाके रूम लेंगे और सो जाएंगे, अगले दिन फिर चलेंगे। बस तैयारी हो गई है, पैकिंग हो गई है और बस हल्का फुल्का तैयार होना बाकी है। सूटकेस पैक है, चाय बना करके हमने पी ली है और अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके आएंगे। यहाँ का ना ब्रेकफास्ट हमें अच्छा नहीं लगा, मतलब ठीक ठीक है, बस पेट भरने वाली बात है, मज़ा नहीं आया। क्योंकि हम लोग ना ट्राइडेंट, ललित, तो कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ रह के ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो उसको जब कंपेयर करें ना तो हमें ये ब्रेकफास्ट नहीं जमता। लेकिन हाँ, बस वो है कि हमें 2-3 दिन रहना था तो हमने एक ही होटल में स्टे किया, बार बार चेंज नहीं किया। हमने 3 दिन की बुकिंग यहीं पर रखी थी और अब बस सीधा निकलेंगे। हर्षुना भी मुंबई में है, सानू यहाँ मुंबई अपने घर पर है। रात को हमने उसको यहाँ रखा नहीं, हमने कहा सुबह हमें जल्दी निकलना है, फिर तुझे उठाना पड़ेगा, तू जाएगी अपने घर और छोड़ के आए तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ से सीधा निकलेंगे। तो चले आज पूरा शेयर करते हैं, पूरा दिन हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो क्या ही करेंगे, ट्रैवल करेंगे पूरा दिन, लेकिन फिर जैसा भी होगा आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीतू चौहान फैमिली जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उस पर जब मैंने चेक किया कि मेरा जो चैनल है जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा ना वो कुछ है 7% कुछ लोग, उसमें से 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पर मेरे वीडियोस ब्लॉग्स देखते हैं, रेसिपी देखते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे नीतू चौहान फैमिली वाले वीडियोस देखते हो इसका मतलब है कि आपको पसंद आते हैं, इसलिए आप देखते हो। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरी हेल्प हो जाएगी उस चैनल को मोनेटाइज करने में, उस चैनल को मुझे आगे बढ़ाने में। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोनों चैनल के लिए, तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे दोनों चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मैंने पहनी है आज वही टी शर्ट जो कल मैं प्लेडियम से लाई थी। मुझे ना ऐसी ये लाइनिंग वाली टी शर्ट बहुत पसंद है, तो आप लोग बताना मुझ पर ये कैसी लग रही है। मैं हमेशा ऐसी टी शर्ट लेना चाहती थी लेकिन मुझे कभी मिली नहीं, हमेशा डिफरेंट डिज़ाइन के मिले, कुछ आड़े टेढ़े। लेकिन ये जो इस टाइप की लाइनिंग है ना, जिसमें ये लाइनिंग शायद ब्लैक कलर की है पर मुझे वाइट और ब्लू कलर की लाइनिंग होनी चाहिए, वाइट टी शर्ट होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मुझे ये मिल गई तो मैंने ये ले ली। मैंने कहा जो मिला वो ले लो बस। तो आप लोग ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस टी शर्ट में। और मुझे ना टी शर्टें ज़्यादा पसंद है, मुझे टॉप कम पसंद है, कम मतलब बहुत कम पसंद है। ज़्यादा आपको ना मेरे पास टी शर्टें ही मिलेगी। और ज़्यादातर मैं जीन्स है ना मुंबई आती हूँ तभी पहनती हूँ, मतलब जोधपुर में कम ही पहनती हूँ। आपने बहुत रेयर ही देखा होगा मुझे जीन्स पहने हुए। और बस हो गए हैं तैयार, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने जो शॉपिंग की है ना वो जोधपुर में जाके किसी ब्लॉग में बताऊँगी। वैसे मैंने जो की है वो तो आपने देख ली, मैंने पहन ली। इन्होंने लिया एक शर्ट, एक टी शर्ट और कुछ और भी लिया है। बच्चों ने जो लिया है वो बच्चों ने बोला तो है हॉल वीडियो बना के भेजेंगे। ठीक आ गई थी, बच्चों ने बोला है कि हम लोग हॉल वीडियो बना के भेजेंगे, पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, उनका कोई आइडिया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। और आँखें देखो मेरा चेहरा ना, ये एरिया ना मेरा सूजा होता है अभी मैं सुबह उठती हूँ तो। और जब से मैं ना हर्षू को छोड़ के आया ना उसके हॉस्टल, तब से हर आधा घंटा में उसका कॉल आता है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। उसको ना यूँ लग रहा है, एक तो वो इतने दिन हमारे साथ रह लिया तो उसका मन नहीं लग रहा,
ऊपर से ना उसको यूँ लग रहा मम्मी पापा अकेले जाएंगे, मम्मी पापा आप जल्दी निकल जाना, आप लेट मत करना, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आप ऐसा ध्यान रखना। मतलब उसको इतनी चिंता हो रही है ना, उसने उसको लगा कि आते टाइम तो मैं था, अब ये दोनों अकेले जाएंगे तो आप ये कर लेना, आप वो कर लेना, हर आधा घंटा ये घंटा वो फ़ोन करके हमें बता रहा है। आप देखना, आप लेट मत करना, आप जल्दी निकल जाना, आप ब्रेकफास्ट के चक्कर में यहाँ पे वेट मत करना, आप रास्ते में ये कर लेना, आप वो कर लेना। भयंकर कसम से उसका यूँ लग रहा है कि मम्मी पापा अकेले जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सच में यार बच्चे कितना मतलब सोचते हैं ना। हाँ ये ऐसा नहीं कि हम पेरेंट्स बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे भी हमारे लिए बहुत सोचते हैं। चलो मैं ज़्यादा निकल दूँ, मेरे को नहीं हो जाता है फिर। ऊपर जाना। तो जी निकल चुके हैं हम लोग और देख लो मुंबई की बारिश। हमने मुंबई में एंट्री ली तब से लेके एग्जिट ले रहे हैं तब तक लगातार बारिश हुई है। और अगर आप लोग भी मुंबई घूमने आने की सोच रहे हो तो 3 महीने जब बारिश का मौसम है ना तो बिल्कुल ही मत आना, वरना आप सिर्फ होटल में और मॉल्स में ही घूम पाओगे, बाहर लोकल जो मार्केट होते हैं ना स्ट्रीट मार्केट वो बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमने सोचा था कि बारिश यहाँ जाएंगे वो जाएंगे, लोकल शॉपिंग करेंगे, यहाँ के स्ट्रीट मार्केट जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। कल पूरा दिन हमने मॉल में ही निकाला और फिर सीधा होटल आ गए। तो बस अभी मुंबई से निकल रहे हैं, निकले नहीं हैं क्योंकि निकलने में बहुत टाइम लग जाता है, 1.5-2 घंटे यूँ ही निकल जाते हैं। और सुबह सुबह ट्रैफिक हो गया क्योंकि ऑफिस आज मंडे है ना, तो ऑफिस का टाइम लोगों का इसलिए। और बस हम लोग मुंबई से निकल गए हैं और हम पति पत्नी अब एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं, जिससे कुछ लोग होते हैं ना कि लंबा लंबा ट्रैवल कर लेते हैं। हम लोग अब सोचो 2 दिन ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से, जो मुंबई से लेके जोधपुर तक 2 दिन लगेंगे हमें, नाइट स्टे करेंगे कहीं पे। लेकिन हम दोनों अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं खूब सारी, गाने सुनते हुए जाते हैं तो हम लोग बोर नहीं होते। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को भी पति पत्नी को ट्रैवल करना पसंद है बाई रोड? हमें बहुत पसंद है, हम लोग बाई रोड ट्रैवल करना इंजॉय करते हैं, जबकि ट्रेन में हमें इतना मज़ा नहीं आता ना ही फ्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट में तो क्या है बैठेंगे और 1.25-1.5 घंटे में उतर जाएंगे। बाई रोड ट्रैवल करना हम दोनों पति पत्नी को बहुत पसंद है और हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए जी हम लोग पहुँचे हैं फूड कोर्ट और आज फिर परफ्यूम वाली शॉप बंद है। चाय वाय पी ली, खाने का कुछ मन नहीं है और परफ्यूम की दुकान बंद है। जैसे गए थे बंद थी, अब आए तो बंद थी, कॉल किया तो वो अपने गांव गया हुआ है, तो इस बार हमारे परफ्यूम बने नहीं है। वापस चलेंगे, वापस कहाँ गए। और मौसम वही सेम टू सेम बारिश, अब कुछ देर के लिए बंद हुई है, मुंबई में तो बंद नहीं हुई, यहाँ थोड़ी देर बंद हुई है। तो जी फिर से निकल गए हैं और इस बार पहली बार हमारे साथ हुआ है कि हम लोग परफ्यूम बनवाए हैं और परफ्यूम की शॉप बंद है। बाकी हम जितनी बार बाई रोड निकलते हैं ना हर बार परफ्यूम बनवा के जाते हैं, लेकिन गए तब भी परफ्यूम की शॉप बंद थी, आए तो भी बंद थी। हमने सोचा चलो जा रहे हैं, उस दिन तो फ्राइडे था, क्या पता बंद हो, लेकिन आज फिर कॉल किया तो बोले मैं गाँव हूँ तो परफ्यूम तो हमारा नहीं बना। मैंने भी सोचा था मैं भी 1-2 बनवाऊंगी, इनको भी बनवाना था, इनको भी मिलने वाला है, उन्होंने भी बनवाना था, पर बस यहाँ चाय पी है, पानी की बॉटल ले ली है, खाना खाने का कुछ भी खाने का मन नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने। अब बस फिर चलेंगे, अब देखो आगे कहाँ रुकेंगे। अच्छा है यहाँ पे खाने पीने को सब कुछ मिल जाता है, अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, कुछ भी करना है तो। और वैसे तो पूरे हाईवे पे हर थोड़ी दूर में कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, वो होटल्स आते हैं, कैफे आते हैं, रेस्टोरेंट, सब तरह के कुछ ना, मतलब जो आपको खाना हो, पिज्ज़ा खाना है, डोमिनोज खाना है, कुछ भी खाना है, मैकडी खाओ, हल्दीराम खाओ। अच्छा हाईवे, बस बारिश ने जान लेनी कर रखी थी, अब थोड़ी सांस आई है बारिश से, तो वरना तो कल तो भयंकर बारिश, इतनी बारिश कि वाइपर भी काम नहीं कर रहे थे। और कुछ साल पहले, जब तक कुछ साल समझ लो आप 2-2.5 साल पहले की बात है, जब तक हम लोग मुंबई कार लेके नहीं आए थे ना, पहली बार जब आए थे, सबसे पहले जब हम बाई ट्रेन आए थे,
और उसके बाद हिम्मत करके हम लोग बाई कार आए। और जब तक कार लेके नहीं आए थे ना, तब तक मुझे बहुत डर लगता था। मैं हमेशा डरती थी, पतिदेव बोलते थे कार लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे, तो मैं उनको बोलती नहीं यार 1000 किलोमीटर कार लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, थक जाएंगे, ये वो। लेकिन जब हम पहली बार कार लेके आए तो हमने इस सफ़र को इतना इन्जॉय किया, हमें इतना मज़ा आया कि उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब अगर हमें मुंबई में घूमना है और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो हम लोग कार लेके ही आते हैं। ज़्यादा इजी होता है कार लेके आना, लगेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना आप ट्रेन में जाते हो तो आपको लगेज उठा के काफ़ी चलना पड़ता है, फ्लाइट में जाते हो तो लगेज का वो वेट का इशू रहता है कि इतना वेट ही आप लेके जा सकते हो, उससे एक्स्ट्रा ले जाते हो तो पैसे लगते हैं। तो हमें सबसे अच्छी कन्वीनियंट लगती है कि हमें बाई रोड जाएं, और बाई रोड जो ट्रैवल होता है ना, हम सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, चाहे वो मेरे दोनों बच्चे हो, पति हो, मैं हूँ। आप लोग बताइएगा आपको कैसा ट्रैवल पसंद है, बाई रोड या बाई फ्लाइट या बाई ट्रेन, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर लगा है बहुत लंबा जाम, पीछे 5-6 किलोमीटर और था, हम लोग उसे छोड़कर रॉन्ग साइड आ गए क्योंकि और गाड़ियाँ भी आ रही है। और पतिदेव के साथ रह रह के मैं भी वो बन गई हूँ खतरों के खिलाड़ी। मज़ा आता है ऐसे ट्रैवल करने में, बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग और पक्के हो गए हैं, मतलब अब डरते नहीं है। पहले ना मुझे डर लगता था कि पति पत्नी है, कोई लूट लेगा, कोई कुछ कर देगा, लेकिन अब हम लोग नहीं डरते, एकदम डॉन है डॉन पूरा रोड में, एकदम डरते नहीं है, बिल्कुल बिंदास जाते हैं। तो आप लोग कभी भी हाईवे पे जाओ ना तो खाने पीने को साथ में जरूर होना चाहिए। किस पे चिल्ला रहा है वो? खाने पीने पे के लिए ना साथ में होना चाहिए, ऐसे जाम में फंस जाओ ना तो कोई भरोसा नहीं, आप 3-4 घंटे भी खड़े रह सकते हो। हमारे पास तो चलो है खाने पीने को, वरना तो आप भूखे रह जाओ। और हमने सोचा था शाम तक अहमदाबाद पहुँचेंगे, लेकिन ये जाम देखते हुए मुझे थोड़ा चांस कम ही लग रहा है। चांस कम क्या, मुझे लगता है नामुमकिन है अहमदाबाद पहुँचना, लेकिन देखते हैं कब तक। देखो गाड़ी वाले उसने तो इसको बड़ी अड़ाएगा नहीं तो। और मुझे आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा, क्या इस वेदर को, इस हाईवे को, ये सब देख के आपका मन कर रहा है कि आप लोग भी ट्रैवल करें बाई रोड? अगर ऐसा कुछ है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग पहुंच रहे हैं हल्दीराम, या अभी हमें लगी है थोड़ी बहुत भूख, तो देख रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर खाएंगे। हाईवे पे आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको नींद आने लगती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएँ, कुछ ज़्यादा ना खाएँ, ज़्यादा खाने से फिर आता है खूब सारा आलस। तो जी अभी हम खड़े हैं, पतिदेव गए हैं वॉशरूम, वापस आ जाए तो फिर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे। और अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है। तो जी अभी हम पहुंचे हैं हल्दीराम, सबसे पहले हम ऑर्डर करेंगे चाय, जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक ब्लॉग में कमेंट आया था कि पूरे ब्लॉग में चाय चाय हो गई है। तो मानती हूँ, लेकिन क्या करें, सफ़र में ना चाय पी लेते हैं तो नींद नहीं आती, आपको मालूम है, ड्राइव कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी ज़रूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग चाय या फिर कॉफ़ी पीते रहते हैं ताकि हमें नींद ना आए, आलस ना आए। चलिए जी हल्दीराम में भी खा पी के निकल गए हम लोग। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक प्लेट छोले भटूरे लिए थे जिसमें 2 भटूरे और छोले आए थे, अच्छे थे, टेस्टी थे। मैंने पहली बार हल्दीराम के छोले भटूरे खाए हैं, बाकी तो खाया था लेकिन छोले भटूरे मैंने पहली बार खाए हैं, लेकिन अच्छे थे, भटूरे भी अच्छे थे और छोले भी अच्छे थे। बस खा पी के निकल गए, एक एक कप चाय पी और अब चलेंगे। अब देखो कहाँ पहुँचेंगे, भरूच पहुँचेंगे कि वडोदरा पहुँचेंगे। और मौसम अभी तक, बारिश तो चलो बंद है, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश जैसा है कभी भी 4 बूंद पड़ सकती है। और बाकी तो बस यही है, आज के सफ़र में तो सब यही दिखाएंगे कि हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम कहाँ रुक रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। और जैसे ही छोले भटूरे आए, मैं तो सब भूल गई वीडियो बनाना, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था 9 बजे के करीब और अब बजी है 5:15, मतलब 5 बजे हमने लंच किया, इसलिए एक ही भटूरा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, ताकि शाम को कुछ खा पाएँ। अगर हम अभी कुछ खा लेते ना फिर शाम को नहीं खा पाते, क्योंकि कल भी ना मॉल से निकलने के बाद सानू को छोड़ा तब हमने सैंडविच खाया था, फिर रात को हमने डिनर किया ही नहीं, रूम में जाने के बाद चाय और थोड़ी सी मठरी वठरी 2-3 खाई और सो गए। तो बस अब चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं, बाकी तो आपके साथ शेयर कर देंगे। सफ़र में तो क्या ही दिखाएंगे, बस यही दिखाएंगे कहाँ रुक रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आप कहाँ पहुँच रहे हैं, कौन सा होटल लेंगे, कौन सा रूम टूर देंगे। बाकी जो अभी मुंबई में लिया ना वो ठीक था, लेकिन हमें इतना नहीं जमा क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रुक चुके हैं, तो उनको कंपेयर आदत पड़ी होती है ना कंपेयर करने की, तो हम वो कंपेयर करें ना तो हमें ना तो इसका ब्रेकफास्ट अच्छा लगा, रूम अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, वॉशरूम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमें इसका ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
ये है क्या सूरत भाई साहब। और हम लोग निकल रहे हैं सूरत में से, और आप देख सकते हो पानी की हालत। ये देखो इसकी जो भी है कैंपस अंदर चला गया, पानी घुटने घुटने तक। और अभी हम आए हैं अंबानी जी को शादी का शगुन देने, उनके बेटे की शादी हुई है, यानी कि जियो पेट्रोल पंप उनका पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पेट्रोल भरवाने आए हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है ना उनको शादी का शगुन, तो बस हमने भी अंबानी जी की बेटे की शादी का शगुन दे दिया है। तो पहले हमने सोचा था कि हम लोग वडोदरा जाएंगे, वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम भरूच जाएंगे, क्योंकि वडोदरा जाएंगे ना तो रात को काफ़ी अभी 2-3 घंटे और ट्रैवल करेंगे जब जाके वडोदरा आएगा। तो हमने सोचा कि अब हम लोग भरूच जाएंगे, वहाँ पर होटल लेंगे, रूम लेंगे और वहाँ सो जाएंगे। सुबह उठ के हम लोग फिर रवाना होंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, रोड भी काफ़ी ख़राब है। सूरत में मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी रोड टूट गई, और अभी भी हाईवे पर ना जगह जगह खड्डे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा रात को अंधेरे पड़ने के बाद ट्रैवल करना मुश्किल होता है, और फिर है ना बारिश आ रही है शीशे पे, और वाइपर भी बेचारे घिस गए हैं, मतलब वो भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहे। ऐसे में थोड़ा सा रिस्क रहता है, सामने से लाइट पड़ती है। तो बस 1-1.25 घंटे में आएगा भरूच, तो हम लोग भरूच में ही रुकेंगे, होटल रूम लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं जितना भी जो भी दिखा रही हूँ, बस आप देख लो, एंजॉय कर लो जैसा भी है। फिर घर जाने के बाद तो वही घर के ब्लॉग आने वाले हैं, वही डेली रूटीन। और एक कमेंट आया हुआ है कि ना आप मारवाड़ी में ब्लॉग बनाओ, जरूर बनाएंगे सा, जैसे ही घर पहुँचेंगे, घर पर याद रहा तो पक्का मैं मारवाड़ी में ब्लॉग बनाऊँगी। और एक कमेंट आया था कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी का ब्लॉग बनाओ, तो ऐसा है कि गोल्ड ज्वेलरी तो आपको पता है आजकल कोई घर में नहीं रखता, तो हम लोग भी घर में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। और बैंक से ज्वेलरी हम तभी निकालते हैं जब हमारे कोई खास घर वाले की शादी हो, मेरे मायके या ससुराल में कोई शादी हो, उसके अलावा कोई शादियाँ होती तो हम लोग गोल्ड बाहर नहीं निकालते। हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है अगर आप बोलोगे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्लॉग मैं ज़रूर आपके साथ लाऊँगी, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी कोई घर की शादी होगी तो पक्का मैं शेयर कर दूंगी। बाकी अभी तो बैंक में है तो मैं अभी नहीं ला सकती। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ तो क्या अब हमारे डिसाइड हो गया है कि हम लोग भरूच ही जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और बारिश जब से मुंबई से रवाना हुए हैं, वैसे तो क्या मुंबई में घुसे हैं ना तब से लेके कंटिन्यूसली हम लोग बारिश ही बारिश में हैं। मुंबई में थे तब भी बारिश, वहाँ से निकले तब भी बारिश, मुंबई में घूम रहे थे तो भी बारिश, और अभी तक लगातार बारिश। तो जी अभी हम पहुंचे हैं भरूच सिटी, और बस हमने अपने होटल की लगा ली है लोकेशन, होटल की तरफ जा रहे हैं, बस ये 3 मिनट में पहुंचाने वाली है होटल की तरफ। होटल तो अच्छा है, होटल पर ठहरे हुए हैं। हाँ मुझे मालूम है, यहाँ पे ये ना ब्रेकफास्ट, यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट किया था हमने इसी टेबल पे। चलिए जी होटल में पहुंच गए हैं, अभी जा रहे हैं रूम में। एक बार पिछली बार आए थे जब शायद हम लोग यहीं पे रुके थे, लेकिन पिछली बार भी खाना तो हमें इसका पसंद नहीं आया था, लेकिन बस यही था। क्या रूम नंबर क्या है? 324। चलिए बस चलते हैं रूम में, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और तो सबसे पहले रूम टूर की शुरुआत करते हैं वॉशरूम से, और इधर है वॉश बेसिन और है ये बड़ा सा मिरर। ये होटल्स की ना लाइटें बड़ी गंदी होती है। और इधर है बाथरूम, और इधर है बहुत ही स्पेशल जगह, बस ये है बड़ा सा वॉशरूम। और वॉशरूम से बाहर निकलें तो ये है रूम का पूरा लुक। टीवी है, वो डेस्क होती है, जो चेयर होती है नॉर्मल हर होटल रूम में होती है, बस इसमें ये 2 सिंगल बेड है ना, ये ख़राब है, ये सिंगल बेड पे सोने की आदत नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, इन लोग गिर जाएंगे, और मुझे तो विशेष ही लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। उधर है अलमारी, फिर इधर ये बड़ा सा मिरर तैयार होने के लिए, ये टी कॉफ़ी एरिया जो हर होटल रूम में होता है, बस सिंपल सा रूम है। तो चलिए जी इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब थक गए हैं, अब कोई ब्लॉग व्लॉग करने का मन है नहीं है, बस
चेंज वेंज करेंगे, थोड़ा सा हाथ मुंह धोएंगे और खाना खाएंगे, खाना मंगाएंगे रूम में ही। और बस फिर मिलेंगे आपसे कल नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो आपको मालूम ही है क्या करना है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगला ब्लॉग देखना है, इस ब्लॉग को पूरा देखना है।